हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आप देख रहे हैं NR इंडिया न्यूज YouTube चैनल पर वैशाली जिला की खबरें। AISF के राजव पापी आह्वान पर वैशाली जिला कमेटी द्वारा महुआ में पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। आज सैकड़ों AISF के छात्रों ने महुआ मंगरू चौक से जवाहर चौक थाना चौक होते हुए पूरे बाजार घूमकर गांधी स्मारक चौक तक प्रतिरोध मार्च किया। गांधी स्मारक चौक पहुंचकर एक छोटी जनसभा की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने कहा कि सरकार लगातार हर दिन तेल के दामों में वृद्धि करते जा रही है, जिसका पूरा असर गरीब किसान मजदूर वर्गों पर पड़ रहा है। लोगों का लॉकडाउन में रोजगार धंधा बंद था, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब हो चुकी है। फिर सभा को संबोधित करते हुए राज्य परिषद सदस्य सफदर इरशाद, उत्कर्ष यादव, बच्चा बाबू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर काफी कम हो चुकी है, फिर ये सरकार तेल पर बेतहाशा टैक्स लगाकर गरीबों के जेब से अपना खजाना भर रही है। लोग पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, खेतीबाड़ी का समय है, तेल के दाम बढ़ने से किसानों को काफी कठिनाई हो रही है। इस सभा को चंदन तेज पुंज, विदुपुर अंचल संयोजक राखी पांडे समेत कई छात्रों ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर रोक लगाने को कहा। पूरे बाजार में बैलगाड़ी पर मोटर वाहन रखकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाया। इसमें बंटी, विजय, प्रिंस, नितेश, मिराज, ऋषु, चंदन, CM, पवन, राजा रेहान, समसाद समेत सैकड़ों छात्र उपस्थित रहे। महुआ से मोहम्मद नदीम रब्बानी की रिपोर्ट।